टाइम फॉर फेवरेट सेगमेंट जो है प्रिडिक्शंस। तो लास्ट पेपर में मैंने प्रिडिक्शंस की थी जो बिल्कुल बेकार साबित हुई थी, तो इसमें भी कर लेते हैं लगे हाथों। तो ये जो प्रिडिक्शंस होगी ये पास्ट पेपर की बेस पे नहीं होगी। पास्ट पेपर की बेस पे तो मैं आपको बहुत सारे टॉपिक बता सकता हूँ, तो उसकी बेस पे ये प्रिडिक्शंस नहीं होगी। अब ये जो प्रिडिक्शंस होगी ये सेंडअप एक पेपर की डिस्कशन के ऊपर, या फिर जो हमारा रिसेंट पेपर आया था 2021 में एनुअल वाला, यार संडे पेपर आया था उसकी बेस पर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो तीनों में से एयर से, नॉज से और थ्रोट से तीन तीन सवाल आ रहे हैं, दिस इज नॉट अ प्रिडिक्शन। अच्छा, अब पहले एयर की बात करते हैं। आप एयर के अंदर मुझे जो पहला जो लगता है एक जो सवाल आएगा वो किसी ना किसी ट्यूमर में से आएगा, या तो वो मिडल ईयर का ट्यूमर है, या इनर ईयर का ट्यूमर है कॉस्टिक न्यूरोमा, या फिर कोलेस्टिटोटोमा। वैसे कोलेस्टिटोटोमा को ट्यूमर नहीं कहते, तो मुझे लग रहा है कि एक सवाल कोई ना कोई ट्यूमर में से आएगा। ओके, तो एक तो ये बात होगी। नंबर टू के जो हमारा ये वाला जो सवाल है ना मिडल ईयर में से, ठीक है, मिडल ईयर में से ए एस ओ एम या एस ओ एम, इनमें से कोई एक सवाल आएगा। मोस्ट प्रोबेबली ए एस ओ एम, एक्यूट सुपरेटिव टाइटस मीडिया में से आएगा। और जो तीसरा सवाल होगा वो कन्फर्म है कि वो एक्सटर्नल ईयर से होगा। मोस्ट प्रोबेबली वो हो सकता है वैक्स में से हो सकता है, या फिर वो मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना में से हो सकता है, या फिर तीसरा टॉपिक नहीं बल्कि दो टॉपिक, वैक्स या फिर मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना एक्सटर्नल, वहाँ पे एएस स्वयं और तीसरे में से अपने ट्यूमर्स वगैरह को देख लेना। इस टाइप की कुछ यहाँ पे कहानी आएगी। नोज की तरफ आ जाते हैं। अब नोज के अंदर एक सवाल कन्फर्म है एपिस्टैक्सिस वाले टॉपिक में से आना है, ठीक है, और एक सवाल आपका ट्यूमर में से आएगा और एक सवाल आपका इन्फ्लेमेशन में से आएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो इन्फ्लेमेशन आ सकती है वो एट्रोफिक रिनाइटिस है। ओके, ठीक है, तो या एट्रोफिक या एलर्जिक रिनाइटिस, मैंने सिंपल इन्फ्लेमेशन कहा है। तो रिनाइटिस में से एक सवाल आएगा, ट्यूमर में से सवाल आएगा, और एक सवाल एपिस्टैक्सिस में से सवाल आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम थ्रॉट में। थ्रॉट में से जो मुझे लग रहा है कि इस बार जो सवाल आएगी वो लैरिंग्स में से ज़्यादा आएगी, यानी दो सवाल लैरिंग्स में से आएंगे, एक सवाल फैरिंग्स में से या ओरो फैरिंग्स या ओरल कैविटी में से आएगा। और जो फैरिंग्स और इसमें से भी जो सवाल आएगा वो यानी ओरल कैविटी में से कोई सवाल नहीं आएगा बल्कि फैरिंग्स में से सवाल आएगा, और वो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, वो ट्यूमर होगा, यानी इस चैप्टर में से सवाल आएगा। जबकि लैरिंग्स और ट्रैकिया में से एक सवाल ज़रूर आएगा ट्रैकियोस्टोमी वाले में से, और जो एक और सवाल है मोस्ट प्रोबेबली इन्फ्लेमेशन होगी या कॉन्जेनिटल में से कोई एक सवाल आएगा, लाइक हमारा लेरिंजियो मलेशिया हो जागा, या एक्यूट एपिग्लोटाइटिस या लेरिंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, क्राउफ में से एक सवाल आएगा। तो एक फजूल सी प्रिडिक्शन मैंने दे दी है। तो अच्छा, यहाँ से ऑपरेटिव टेक्निक के बारे में बात करूँ, अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि यहाँ से तकरीबन तकरीबन दो सवाल बनेगी। मोस्ट प्रोबेबली सवाल का मतलब ए या बी पार्ट बनेगा, और ये मोस्ट प्रोबेबली टॉन्सिलेक्टमी वाले टॉपिक में से आ सकती है, या फिर ये एसएमआर सेप्टोप्लास्टी वाले टॉपिक में से आ सकती है। तो वैसे मैंने पास्ट पेपर्स वाली ही बात कर ली, सारे पास्ट पेपर में क्वेश्चन है। चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।